ये आ गया जी पागल पनीर। राजमा के साथ ना पागल पनीर डाल देना। क्या तारीफ करूँ सरदार जी की, सब कुछ ही टेस्टी है। ये चटनी है जो CNG है, इसको हम CNG भी कहते हैं जी। आज हम हैं हरिनगर में, और हरिनगर में ये जो आप अंकल जी देख रहे हैं सरदार जी, जिनकी वैन बहुत ज्यादा मशहूर है खाने की, आज हम इनके पास पहुंचे हैं। खाना लोगों ने बताया बहुत ज्यादा टेस्टी है, अमेजिंग है, डिलीशियस है, काफी सारी चीजें ये बनाते हैं, और आप देख सकते हैं कि मतलब सारी चीजें अपने हाथ से ही बनाते हैं। मैं सब आपको बताऊंगा, पूरी वीडियो एंड तक देखना, बने रहना वीडियो में। लेट्स स्कूल में टीचर हूँ और बड़ा नाम सुना था, तो बहुत अच्छी चीज़ मैंने कहा चलो भाई आज दोबारा मौका मिला तो मैंने कहा मौके का फायदा उठाया। नमस्कार अंकल जी। सत श्री अकाल जी कैसे हैं? बढ़िया जी, फर्स्ट क्लास। तो सबसे पहले अपना नाम बताइए। नाम मेरा जी सरदार जी के मशहूर कड़ी चावल लिखा हुआ जी। सरदार जी के मशहूर कड़ी चावल नहीं, ये तो हो गया आपकी बहन का नाम खाने का। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हरवंत सिंह है जी। क्या बात है, और आपकी लगभग उम्र क्या होगी? मेरी उम्र रह गई है जी इस टाइम 61 साल। अजी क्या बात है, और इस उम्र में भी आप फुल टाइम मतलब लगे हुए हो फुल पावर पे जी। क्या बात है, तो क्या क्या रखते हैं आप बताएंगे जरा? राजमा, छोले, हाँ जी, कढ़ी, हाँ जी, कढ़ाई चाप, कढ़ाई चाप भी, हाँ जी, कढ़ाई पनीर, शाही पनीर, हाँ जी, पागल पनीर, आज क्या पालक पनीर, पालक पनीर, मैंने सोचा पागल पनीर थोड़ा सा आसाना भी पड़ता है ना कई बार बीच में। सही बात है। अपना जो सी भी सब्जी होती है, मटर पनीर हो गया, हाँ जी, आलू, सोयाबीन की बदल बदल की रोज चेंजिंग होती रहती है, पीछे वाली सब्जी, हाँ जी, आगे वाली तो रोज डेली होती है, राजमा, छोले, कढ़ी डेली है, रायता डेली है, रोटी तवे वाली डेली है, हाँ जी, और सीजन के अंदर सरसों का साग, मक्की की रोटी भी है। सरसों का साग और मक्की की रोटी भी होती है, हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया। हरा छोलिया, आलू बढ़िया, सब बनता है, हर आइटम मतलब की रोज चेंजिंग होती रहती है, चेंज करते रहते हो, बोर ना हो जाए आदमी, बोर ना हो मतलब। सही बात है। तो जी चेक कर लेते हैं हम भी क्या क्या चीजें आज। ये तो जी ये है, क्या है? पालक पनीर। भाई ये है इनका पालक पनीर, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और क्या है जी? क्या है जी? मसाला चाप। ये मसाला चाप भाई कितनी ज्यादा गजब लग रही है, और ग्रेवी देखिए आप एकदम देसी स्टाइल में, और मतलब ग्रेवी में ऐसा भी नहीं लग रहा कि आपने बहुत ज्यादा क्रीम व्रीम थोप रखी है, इसमें कोई क्रीम नहीं है, इसमें एकदम घर जैसा खाना लग रहा है। बिल्कुल जी, क्या बात है भाई, टेक्सचर चेक करो आप, ये ग्रेवी जो है खुद ही बनाते हैं किस चीज की है? ये मसाले प्याज का, प्याज टमाटर लहसुन अदरक वगैरह, हाँ जी, लहसुन नहीं डलता भाई। अब ये देख लो कि एकदम घर जैसी ग्रेवी है, और कोई ऐसा क्रीम लहसुन किसी में भी नहीं होता जी। अच्छा लहसुन डालते ही नहीं हो? नहीं जी बिल्कुल। छोले, हाँ जी, व्हाइट छोले। अच्छा व्हाइट वाले रखते हो? हाँ जी, नहीं शनिवार को काले छोले, शनिवार को काले कर देते हो? हाँ जी, छोटे वाले। अच्छा छोटे वाले, हाँ, बहुत बढ़िया। भाई छोले भी देखो आप, चेक करो एकदम घर जैसे छोले हैं, ग्रेवी देख लो फर्स्ट क्लास, जैसे हमारे घर में बनाते हैं हमारी माता जी, वैसे ही अंकल ने बना रखे। ये राजमा जी, ये लो जी, ये है राजमा जी। क्या बात है, बहुत बढ़िया ग्रेवी, एकदम बढ़िया, और गर्मा गर्म राजमा। और ये है कड़ी। कड़ी, हाँ जी भाई, एक बार कड़ी चेक करो आप, कड़ी कितनी जहर जी, गजब। ये पकौड़ी किस चीज की होती है अंकल? ये आलू, आलू, आलू प्याज, आलू भी डलता है पकौड़ी में? हाँ जी, आलू प्याज और हरी मिर्ची। बहुत बढ़िया भाई, मैंने तो आलू की पकौड़ी पहली बार सुन रहा हूँ। आज पालक भी है इसमें। आज पालक भी है, आज पालक भी डाली है। और ये है सरदार जी का रायता, क्या बात है, तो बड़ा गाढ़ा गाढ़ा सा लग रहा है, ऐसे रहता है मतलब पानी वाली गर्मी। हाँ जी, बर्फ डलती है, बस बर्फ डलती है ठंडा करने के लिए, वो भी भाई जाता है एक दो। अगर जी ये क्या, ये चटनी? ये चटनी है जो CNG है, इसको हम CNG भी कहते हैं। CNG इससे थोड़ी कड़वी है, खाने में जब बंदा भागता फुर्ती से CNG की तरह। हाँ जी, हाँ जी, कड़ी इनकी अव्वल नंबर 1।
मैंने इतनी बढ़िया वो कड़ी नहीं खाई आज तक। तो रेसिपी नहीं बताते हैं? बस ये रेसिपी नहीं बताते, ये इनका बड़ा वो है। ऑलमोस्ट इनके इनके रेगुलर कहता है, हम लोग कहता है कस्टमर है बहुत बढ़िया। और लेता मैं सिर्फ एक ही आइटम हूँ कड़ी, मेरे को सबसे बढ़िया लगती है। और सबसे बड़ी बात है कि जिससे मैं सब्जी लेती हूँ उसी से अंकल जी सब्जी लेते हैं। इतनी बार तो मैंने ही देखा है। बहुत मतलब ये सेटिस्फेक्शन है कि सब्जी भी अच्छी ले रहे हैं। A1 होता है इसमें कोई शक। तो आप देख सकते हैं भाई कड़ी जो अंकल की इतनी ज्यादा फेमस है कि लोग भगोने भर भर के अंकल से कड़ी ले जाते हैं। अंकल कड़ी क्या रेट देते हो? वही 120 रुपए। 120 रुपए प्लेट फुल? फुल प्लेट। ये फुल प्लेट है? हाँ जी हाँ जी। क्या बात है। राजमा के साथ ना पागल पनीर डाल देना थोड़ा सा। पागल पनीर? पागल पनीर क्या चीज है ये? पालक पनीर। अच्छा अंकल पागल पनीर बोलते हैं उसे। जी जी। ये आ गया जी पागल पनीर और राजमा। पागल पनीर और राजमा। हाँ जी। अच्छा मिक्स करके भी दे देते हो कोई? हाँ जैसे मर्जी खाओ। हमने तो पहले ही बात कह दी कि अंकल कितने बढ़िया है। अंकल हंसाते रहते हैं, खाना इनका एक नंबर है। हाँ जी। पिछले 10 साल से मैं साथ जान रहा हूँ इनको। 10 साल से? हाँ जी। बड़ी देर बोले मेरी याद ही बोली। तो जी ये चटनी किस चीज की है? ये चटनी जी धनिया की है। धनिया कुछ भी है? धनिया प्याज हरी मिर्च। हरी मिर्च और दही वगैरह नहीं डालते ना? नहीं नहीं, अमचूर नमक। नमक बहुत बढ़िया। चटनी सबसे बेस्ट, साथ में प्याज व्याज। भाई खाना बहुत ज्यादा बढ़िया लग रहा है मुझे तो देखने में। ये थाली आपकी, ये रखो, ये लगी थाली आपकी। ये आ गए चावल, ये लो। और इसमें आएंगी 2 रोटी साथ में? हाँ ले लो, चार ले लो, कोई दिक्कत नहीं। 2 लेते हैं कहीं, 4 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है जी, पेट भर के खाओ। पेट भर खाना खाओ, खाओ तो तीखा माल है। बहुत बढ़िया। तो जी थाली तैयार, इसको एक बार टेस्ट करते हैं। एक बार दो, बाकी मैं दूसरी प्लेट लगा रहा था। बिल्कुल। तो भाई प्लेट आ चुकी है, काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस लग रही है। ये पालक पनीर है, काफ़ी एकदम घर जैसा ही मामला है सारा। ये इनकी चाप मसाला, सोया चाप है बेसिकली ये। और ये जो है कड़ी, जो काफ़ी ज़्यादा लोग इसको पसंद कर रहे हैं कड़ी को भी। साथ में ये है छोले, ये है राजमा और ये है भाई रायता। रोटियाँ भी जो है घर वाली हैं। तो एक बाइट लेते हैं सबसे पहले, पनीर के साथ लूंगा मैं। और इसको टेस्ट करते हैं। वाह भाई वाह। एक तो पनीर इतना ज़्यादा सॉफ्ट है, नरम है भाई। साथ में मैंने जैसा बताया कोई इसमें क्रीम बटर नहीं डाला गया। लवली। अब आप आ जाइए ये चाप की तरफ। ये इनकी है चाप, ये देखो भाई गजब लग रही है एकदम। साथ में ये है इनकी कड़ी। और आप ये देखिए पकोड़ा देखिए, जैसा अंकल ने बताया भाई इस कड़ी में जो पकोड़े में जो है आलू भी हैं। सुपर भाई। यहाँ पे अगर आए तो ये कड़ी जरूर टेस्ट करना एक बार, ये भी बहुत टेस्टी है। बट कड़ी में ना कुछ अलग बात आ रही है, साथ में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी वैरायटी हैं। अंकल जी हमने आपकी थाली खाई, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त थी भाजी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा कर रहे हैं, सेवा करके निकल जाना है और भी करना सी। जितनी सेवा हो जाएगी उतनी बहुत है।